अस्सलाम वालेकुम, ओपन सोर्स लिटरेट पाकिस्तान में खुश आमदीद। मुझे ताहिर कहते हैं और आज हमारा नवा सेशन है। इससे पहले 8 सेशंस में हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें डिस्कस की हैं। आज हम लिनक्स को डिस्कस करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को थोड़ा डिस्कस करेंगे। आप जो विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप अगर एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो वो एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें iOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो उसमें मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है जो ओपन सोर्स है, जिसका सोर्स कोड आप चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कंपाइल कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक कर्नल पे डिपेंड होता है, ठीक है, कर्नल एक मेन पार्ट होता है उसका, और लिनक्स कर्नल पे बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंड करते हैं, और उसकी मुख्तलिफ किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन हैं। आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं। मैं जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन रिकमेंड करूँगा वो यूबुंटू है, या बुंटू भी उसे कहते हैं, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें जाके आप उसका कर्नल जो है वो अपना कंपाइल करके, बिल्ड करके उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, और आप प्रूव कर सकते हैं कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स को प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है। और ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है, इसके लिए आपको कोई इतना किसी डिग्री या सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और मतलब आप में अगर थोड़ी सी सेंस है कुछ करने की, कि आप सेंस ऑफ अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो आप ये वाला एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इस ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है, ठीक है, तो आप इधर से अपनी तजर्बे शुरू कर सकते हैं। तो सिंपल सा आप, अगर आप एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये बेसिकली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना है सी में और असेंबली में, ठीक है, ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, और 100,000 को 100,000 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर होता है 10 बिलियन, ठीक है। लेकिन अब देखें, सी में एक ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया, तो हम 100,000 को 100,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, या दूसरे लफाज में आप ये कह लें 100,000 का स्क्वायर लेते हैं, तो क्या ये कहता है? ये बेसिकली जो रिजल्ट दे रहा है हमें वो 10 बिलियन ही दे रहा है, ठीक है, रिजल्ट ये हमें गलत दे रहा है। आपने इस कॉन्स्टेंट का आंसर करना है कि ये रिजल्ट गलत क्यों दे रहा है। अगर आप इस तरह के किसी भी सवाल का जवाब तलाश कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है, तो डेफिनेटली आप लिनक्स कर्नल को कंपाइल भी कर सकते हैं, बिल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल इसी सा सवाल है, आप देखें कि अगर 1 लाख को 1 लाख से मल्टीप्लाई करें तो जवाब 10 अरब आना चाहिए, लेकिन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है, जिसने दुनिया बदल दी है, जिसने ओपन सोर्स को मतलब स्टार्ट किया एक तरह से, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये सिंपल से आप परेशान नहीं कर पा रही, ठीक है। तो इसको अगर आप जवाब ढूंढते हैं तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और आप डेफिनेटली ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रीब्यूट करने वाले प्रोग्रामर बनेंगे, ठीक है। C++ में भी सेम ही होगा, ठीक है, उधर भी उसने जवाब गलती दिया, लेकिन पाइथन और जावा से वगैरह में ये जवाब गलत नहीं होगा, लेकिन उसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम लिख नहीं सकते, एडिट नहीं कर सकते। लिनक्स का जो सोर्स कोड है वो आपको इस लिंक से मिल सकता है, ठीक है, आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं कि ये कैसे है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सब चीज़ें आपको बता रही होती है, इसका मिलियंस ऑफ लाइंस का कोड है, ठीक है, तो आप, लेकिन इसे आप कंपाइल ज़रूर कर सकते हैं। तो आप ट्री पे क्लिक करेंगे तो आप देख लें कौन सी ऐसी चीज़ें जो इजीली आप चेंज करके उसको प्रीव्यू की भी कर सकते हैं कि आपने कुछ चेंज किया है। मैं आपको कहता हूँ कि आप ड्राइवर किसी को चेंज कर लें, ठीक है, ड्राइवर में आप ये TTY, ये बेसिकली टेली टाइप राइटर है, ठीक है, इसमें अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगी वर्चुअल टर्मिनल या वर्चुअल कंसोल, इसमें आपको कीबोर्ड मिल जाएगा, ठीक है। इस कीबोर्ड में आप जो अगर कोई चेंजिंग करेंगे तो आप स्कैन कोड के साथ खेल सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक दफ़ा प्रेस करता है कोई, दो दफ़ा कर सकते हैं, दो दफ़ा करता है तो एक दफ़ा कर सकते हैं,
ठीक है, ये इतना इजी है, लेकिन ये इसमें एक ट्रिक है कि क्या ये वाला ड्राइवर बुंटू पे चलता है कि नहीं चलता, ठीक है, ये थोड़ी सी ट्रिक है, ये आपने इसको सॉल्व करना है, फिर आपने इसको कंपाइल करना है, और इसको कंपाइल करने का तरीका ये है, ठीक है, ये बिल्कुल इजी सा तरीका है। इसके बाद आपका अपना कंपाइल शुदा कर्नल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होगा, ठीक है, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडिफाई किया होगा, ठीक है। और अगर आप मज़ीद इस बारे में पढ़ना चाहते हैं तो ये कोर्स है, ठीक है, कोर्स रहा पे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लिनक्स एंड गिट स्पेशलाइजेशन, इसमें चार कोर्सेज हैं, ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड्स लिनक्स फॉर डेवलपर्स लिनक्स टूल्स फॉर डेवलपर्स यूजिंग गिट फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख के आप इस लेवल की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और ये डेफिनेटली इस लेवल की प्रोग्रामिंग है जो सेटेलाइट्स में यूज़ होती है, बड़े हायर लेवल पे यूज़ होती है, ठीक है, और आप अपने आप को मनवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।